हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ छत की पाइपिंग के ऊपर। हमारा लगातार सीरीज आ रही है। ये आप देख सकते हैं, ये मेन का पाइप है और ये सामने कंसील लगा हुआ है जीना के ऊपर। और हमारी लगातार छत पे पाइप डालने की वीडियो आ रही है। कई अगर आपको छत पे पाइप डालने में या फिर इलेक्ट्रिकल के वीडियो देखने में इंटरेस्ट है तो हमें आप फॉलो या फिर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा एक फैन बॉक्स है और इस पर चार लाइटें हैं और आगे जो पोर्च का एरिया है उस पर भी एक तीन लाइटें उसमें हैं। तो आप देख सकते हैं, एक ये हमारा लॉबी है जिसमें कोई कंसील वगैरह नहीं है क्योंकि इसमें सीलिंग होगा, इसलिए हमने एक डाउन ये डाला है और एक डाउन मेन के लिए डाला है। और ये गई है हमारी एक डाउन और वो गई है सीधे मेन दूसरी। और आप देख सकते हैं, ये जो मेन यहाँ से गई हुई है, ये दोनों MC बोर्ड के किचन में एक फैन बॉक्स लगा हुआ है और फिर एक बीच में लॉबी में एक फैन बॉक्स लगा हुआ है और चार कंसील लगी हुई है। और आप इससे आगे को देख सकते हैं, ये हॉल का एरिया है जिसमें चार कंसील और दो बैंड लगे हुए हैं। ये हमारी किस्मत अच्छी थी कि बीम के यहाँ पर ये फैन बॉक्स नहीं आया, वरना हमें फैन बॉक्स कैंसिल करना पड़ता। तो आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमने मिलाया है। और एक फैन बॉक्स, दो फैन बॉक्स यहाँ रूम में है। एक का सर्किट मेन बॉक्स से आया हुआ है, दूसरा इनडायरेक्टली मिला हुआ है। ये दो तरीके से मिला हुआ है, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। और इसके बाद आप देख सकते हैं, ये हमारे चार कंसील्ड हैं और ये हमने एक मेन का भी पाइप मिलाया है और एक हमने डाउन डाली हुई है। और इसके मेन की अगर बात करें तो इसका मेन आएगा, इनडायरेक्टली आएगा, डायरेक्टली नहीं आएगा। और इसमें आप देख सकते हैं, इसमें 8 होल का फैन बॉक्स है, तो हमारा किचन के रास्ते से बैंड के थ्रू नीचे उतर के फिर आएगा। और मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, फैन बॉक्स में हमने टेप मारा हुआ है, कंसील बॉक्स में भी हमने टेप लगाया हुआ है। और ये बाइंडिंग वायर और कुंडी बोलते हैं हमारे यहाँ पर, तो बाइंडिंग वायर और कुंडी से हम बीच से बांधने का काम कर रहे हैं। और जो कंसील का जो साइज है वो 2x2 है, 2x2 में ही हम मोस्टली डालते हैं। सिर्फ जो हॉल वाला एरिया है वो छोटा था, तो उसमें हमने 1.5x1.5 में कंसील बॉक्स डाले हुए हैं। चार कंसील बॉक्स थे तो वो डाले हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से बांधें, जब भी आप सरिया में बांधें इन पाइपों को, तो जहाँ पर भी आपका डबल जाल आ रहा है यहाँ पर आपको बांधने की कम ज़रूरत है और सिंगल जाल में आपको बांधने की ज़्यादा ज़रूरत है। आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमारी ये साइड है। ये साइड की कटिंग वगैरह का वीडियो देखने